हम कैसे सुसमाचार सुना सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सकते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने भी और वो विश्वास भी करे और उद्धार भी पाए, और जिस विषय के लिए आप सामने वाले के लिए प्रार्थना करें उस प्रार्थना का उत्तर भी आए और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे। तो इसके लिए आपको बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना कुछ जाने समझे अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए निकल पड़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला जीवन कैसा भी हो, सामने वाले का व्यवहार आप नहीं जानते होंगे, उसका स्वभाव आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है उसके जीवन में कैसी भी दुष्ट आत्माएँ काम करती हो वो आपके जीवन को अफेक्टेड ना करे। तो इससे पहले आपको बहुत कुछ जानना और सीखना ज़रूरी है, तब आप जाकर किसी अन्य जातियों को या फिर किसी को भी, आपके रिलेटिव में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है या फिर आपका दोस्त कोई भी हो सकता है, आप किसी को जाकर अगर सुसमाचार सुनाते हैं देन वो मसीह में उद्धार पाएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि खुदा का आत्मा आज मुझसे भी बात कर सके और वो आपको भी सिखा सके कि कैसे हम एक सच्चा सुसमाचार लोगों को बता सकते हैं ताकि लोग प्रभु में उद्धार पाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी को सुसमाचार सुनाने से पहले हम अपने जीवन को देखें कि हमारा जीवन क्या सच में प्रभु के योग्य है, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं मसीह में आ गया और मेरा जीवन ही प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं है और मैं वैसे ही ज़िंदगी जी रहा हूँ जैसे मैं पहले जी रहा था और मैं ये सोच रहा हूँ कि लोगों को प्रभु के बारे में बताऊँ, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका जीवन सामने वाले पर इफ़ेक्ट डाले। क्योंकि जब आपके अंदर ही खुदा के गुण नहीं हैं तो फिर कैसे सामने वाला इंसान विश्वास करेगा। तो आपके अंदर प्रभु के गुण होंगे तो खुदा आपके जीवन में एक टेस्टमनी क्रिएट करेगा, तो आप जाकर सामने वाले को टेस्टमनी सुनाएंगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, तो सामने वाला उद्धार पाएगा। तो सबसे पहले आप अपने जीवन को जांचिए। अब सेकंड पॉइंट ये होता है कि जब भी आप किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए जाएं घर से या फिर कहीं भी, आप सबसे पहले प्रार्थना करिए, आप सबसे पहले प्रार्थना करें। क्योंकि जब तक खुदा का आत्मा आपके अंदर ना हो, जब तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई ना करे, आप किसी को सुसमाचार सुना ही नहीं सकते। अगर सुना भी देंगे तो सामने वाले कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सामने वाला मन नहीं फिर आएगा। तो इसके लिए आप प्रभु की मदद लें, सहायता लें और पवित्र आत्मा आपको सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं तो सामने वाले को आपको जाना है, सामने वाले से बात करनी है, जाकर डायरेक्टली आपको सुसमाचार नहीं सुनाना है। अगर आप जाकर डायरेक्ट किसी इंसान को कहेंगे जो आपको हो सकता है आपको जानता भी हो, अगर आप जाकर डायरेक्ट उसे कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा, आप उसके पास आए वो आपको जीवन देगा, तो सामने वाला सोचेगा अरे पागल इंसान है, उसको आपकी बातें करना भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सामने वाला ये सोचेगा ये कैसे तरीके की बातें कर रहा है, तो सामने वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हो सकता है वो आपको ठट्टों में उड़ाए, आपकी मजाक करे, हो सकता है आपको मारपीट भी कर दे अगर आप ऐसी बातें करें। क्योंकि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग बैर करते हैं, तो हमें सावधानी से कार्य करना है। तो कैसे हम जाकर किसी इंसान को सुसमाचार सुना सकते हैं, दो पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप जब भी किसी को सुसमाचार करती हो अगर आप ऐसे आज़ादी से परमेश्वर का वचन सुनाएं तो सामना वाला का दुष्ट आत्मा आपके अंदर इफेक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रभु के लहू में छिपाएं, सामने वाले को भी प्रभु के लहू में छिपाएं हैं, उसको पूछते हैं कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है। क्योंकि अक्सर एक इंसान चाहता है कि कोई उसे पूछे, क्योंकि आज इंसान के पास कोई सुनने वाला नहीं है, समय में कोई किसी की बात सुनकर खुश नहीं है। तो हो सकता है जब आप किसी को सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जाकर उसे पूछिए, आप उसको बोलने का मौका दीजिए, आप खुद को आपको नहीं बोलना, आप उसकी हाँ में हाँ कर सकते हैं, आप उसकी सही गलत में हाँ ना कर सकते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले इंसान को आप बोलने का मौका दीजिए। जब सामने वाला इंसान बोल रहा हो तो हो सकता है वो आपके जीवन की, अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखेगा। जब आप उससे बातें करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें वो आपके सामने जरूर रखेगा, क्यों, जो उसके जीवन में कुछ ऐसा बीता हो या फिर चल रहा हो जो उसको जीवन में दुख दे रहा हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, रोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके साथ जरूर शेयर करेगा। क्योंकि आप प्रभु से प्रार्थना करके उसके लिए गए हैं तो कहीं ना कहीं खुदा का आत्मा उसके जीवन में भी कार्य करेगा ताकि वो अपनी बातों को आपके सामने रख सके। एंड फिर आपको देखना है कि सामने वाला इंसान अब आपसे बातें कर रहा है एंड वो आपके साथ कुछ ऐसी बातें कर रहा है, फिर आप धीरे से आप अपना बीज बो सकते हैं वहाँ पर, प्रभु का वचन वहाँ पर बो सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि हाँ ये इंसान अब सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली किसी को जाकर कहेंगे तो हो सकता है सामने वाला इंसान हमें नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, हर इंसान के पास एक ना एक ऐसा दुख होगा जो छुपा कर रखता है, तो हो सकता है वो इंसान आपके सामने रखे। एंड जब आप उसे कह सकते हैं कि
आपको मैं एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि जो समस्या आपके जीवन में है वो दूर हो सकती है, जो समस्या आपके जीवन में वो दूर हो सकती है। तो सामने वाला इंसान कहेगा ऐसा क्या है कि मेरी जो समस्या वो जा सकती है, हो सकता है उसके जीवन में बीमारी हो, रोग हो, कुछ भी चल रहा हो। तो सामने वाले सुनना पसंद करेगा, अब आपकी बात सुनना पसंद करेगा, तब आप उसे कह सकते हैं कि आज से इतने समय पहले एक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गाड़े गए। सबसे पहले आप उससे पूछिए कि क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हो सकता है वो जानता हो ना भी जानता हो, तो आपको ये पूछना है। तो सामने वाला अगर जानता होगा तो वो आपको हाँ कहेगा। फिर आप बताइए कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरी गुनाहों के लिए क्रूस पर मरे थे, इसलिए कि हम सारी चिंताओं से, बीमारी से, पापों से, रोगों से आज़ाद हो जाएं और प्रभु के साथ एक अनंत जीवन जिएं। तो जब आप किसी की समस्याओं को पूछकर फिर आप वचन बोल रहे हैं तो सामने वाला एक तो टूटा पिसा होगा, जब आप खुदा का वचन उसे देंगे एक ऑटोमेटिक उसके जीवन में एक शांति ट्रांसफर होगी, एक खुदा का आत्मा उसे छुएगा, डायरेक्टली खुदा का आत्मा उसे छुएगा। और 100% तो नहीं, 99% ये चांस बनता है कि सामने वाला इंसान विश्वास करे। तो आपको सुनना है, सुनने के बाद में जब आपको लगे कि हाँ इस सही वक्त है वचन प्रभु का सुनाने का, सुसमाचार देने का, तब आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारे गाड़े गए। फिर आप बता सकते हैं कि प्रभु ने आपकी और मेरी बीमारी के लिए उसने कोड़े खाए, उसने सर में कांटों का ताज पहना कि हमारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, उसने क्रूस पे अपने आप को दे दिया। वो पापी नहीं था लेकिन उसने हमारे पापों को ले लिया और हमारी सजा को ले लिया। और जब आप उसे सुनाना शुरू करेंगे, आप कुछ वचन को उसके सामने ऐसे रखें, आपको वचन पता होना चाहिए, या फिर आप लिख के रखिए जो वचन सामने वाले के जीवन को उसकी परिस्थितियों के अनुसार आप उसे वचन सुनाएंगे। आप उसे कहेंगे देखो बाइबल में ये लिखा हुआ है, उसकी परिस्थिति देखनी, उसकी कंडीशन देखनी कि एक्चुअली उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, फिर आप उसे बताएं, वो वचन सुनाएं, तो वो वचन उसके जीवन में इफेक्ट डालेगा। और इस तरीके से आप प्रभु का सुसमाचार उसे सुना सकते हैं। ये एक सही तरीका है सुसमाचार सुनाने का, बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, अपने जीवन में देखिए, जांचिए, फिर आप जब भी किसी को सुसमाचार सुनाए तो 99% सामने वाला इंसान प्रभु में उद्धार पाएगा, वो आपसे प्रार्थना कराएगा और वो प्रार्थना उत्तर लेकर आएगी। अगर मैं किसी को जाकर डायरेक्टली कहूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गाड़ा गया और जी उठा, तो हो सकता है सामने वाला हमें मूर्ख समझे, पागल समझे। तो हमें मूर्ख भी नहीं बनना है और सामने वाले को ठोकर भी ना आए हमारी वजह से, और हमें सावधानी के साथ मौका देखकर हमें बीज बोना है और तुरंत वहां से निकलना है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। बस हमें, हम अपना काम किया और निकल लेना, बस इतना ही काम हमें करना है। अब सामने वाला के लिए हमने प्रार्थना कर दी, अगर वो प्रार्थना के लिए कहे तो आपको प्रार्थना करना है और आपको डायरेक्टली किसी पे हाथ भी नहीं रखना है। अगर आप किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें तो आपको हाथ नहीं रखना, आप वैसे उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब उसके जीवन में खुदा कार्य करेगा, वो खुदा कार्य करता है, जब नया नया कोई विश्वासी आता है प्रभु पे विश्वास करता है तो प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। अब आपका काम पूरा हो गया, अब वो खुदा पे विश्वास करे ना करे वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो चलना चाहता है तो आप उसे बता सकते हैं, आप प्रभु में बढ़ा सकते हैं, आप उसे चर्च का एड्रेस दे सकते हैं, आप जहाँ जाते हैं आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा और खरा सुसमाचार सामने वाले इंसान को सुना सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग जान पाएंगे कैसे हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को दे सकते हैं, बांट सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।